So today we'll take bubble sort. Reason why it is called bubble ये एक पॉन्ड है, ठीक है। अब एक पॉन्ड में एक बबल अगर फूटता है, क्या फूटता है, क्या फूटता है पॉन्ड में, bubble. तो उसके रिपल्स जो है ना, रिपल्स वो कैसे जाते हैं, रिपल्स एंड तक जाते हैं पॉन्ड के, है ना। हेलो, तो उसके रिपल इफेक्ट जो है ना पॉन्ड के एंड तक जाता है कि नहीं। ऐसे ही अज्यूम करो कि ये एक बहुत बड़ा ओशन है, क्या ये सर उसके वेव ना, हाँ वेव्स 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 जो है एंड तक जाते हैं, तो अज्यूम करो कि ये बहुत बड़ा एक ओशन है, ओशन, और इस ओशन में एक बहुत बड़ी जो है मछली, जो है मछली मर गई, तो क्या करते हैं वेव्स, क्या करते हैं वेव्स, क्या करते हैं उस मछली को बाहर फेंक देते, उसको लाके कहाँ छोड़ देते हैं, सी साइड पे लाके छोड़ देते हैं, है ना, शोर पे। तो ये वेव्स क्या करते हैं, इस मछली को यहाँ लाके छोड़ देते हैं। तो वही लॉजिक हमको लगाना है बबल सॉर्ट के अंदर भी, कि हम क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को लेंगे और सबसे बड़े नंबर को मछली की तरह एंड में लाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो नंबर्स बोलो, कल के नंबर्स किसको याद है, कल के नंबर्स किसको याद है भाई, 7 5 3 2 8 2 8, ठीक है। अभी अपने को इसको सॉर्ट करना है, तो अभी वेव्स जो है वो एक ही जगह रहती है कि वेव्स आगे बढ़ती है, बढ़ती है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ती है ना, तो अभी हम लोग वेव्स की तरह काम करेंगे। तो एक मिनट रुको, तो अभी बबल सॉर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो अभी पहले किसको कंपेयर करेंगे हम लोग, हेलो, पहले किसको चेक करेंगे, 7 और 5 को ना, तो स्वाप करना है क्या नहीं करना है, स्वाप करना है क्या नहीं, हेलो, तो 5 और 7 स्वाप हो गए और बाकी अपनी जगह पे एज इट इज रहे, बाकी अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब सेकंड में किसको करना है मालूम है क्या, इसको हम लोग वेव की तरह आगे बढ़ेंगे, अभी वेव की तरह आगे बढ़ेंगे, इसको करेंगे अभी 7 और 3 को, इसको करेंगे 7 और 3 करना है क्या, करना है स्वाप, यस सर, तो 5 सर एक बार सर फिर से स्टार्ट करो सर, बबल शॉर्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, वेव की तरह आगे बढ़ते हैं बस, तो 7 5 शॉर्ट करना है क्या, तो क्या हो जाएगा 5 5 7, बाकी नंबर अपनी जगह पे एज इट इज, है ना, यस सर, ओके। अब वेव की तरह आगे बढ़ते जाओ, बस वेव की तरह आगे बढ़ते जाओ, रुको मत, तो 7 अभी करो, 7 और 3 को किसको करो, 7 एंड 3 करना है क्या नहीं करना है, करना है सर, तो 5 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, और 3 और 7 स्वाप हो जाएंगे, तो 3 और 7 स्वाप हो गए, और 2 8 अपनी जगह पे, टू और 8, ठीक है। फिर अभी अभी बोलो जल्दी से, 7 and 2 किसको करेंगे, 7 और 2 को स्वाप करना है क्या, यस सर, तो क्या हो जाएगा, 2 and 7 पूरा 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 बोलो, 5 3 2 7 और 8 अगले लास्ट में क्या होगा, नहीं करना सर, नहीं करना सर, नहीं करना है क्या, नो सर, नो, तो आउटपुट क्या आएगा फिर, 5 3 2 7 8
जो लार्जेस्ट नंबर है वो आ गया कि नहीं एंड में? लार्जेस्ट नंबर को मैंने मछली की तरह किनारे लगा दिया, नहीं किनारे? Yes, तो अभी ये मेरा हो गया पास वन, क्या हो गया मेरा ये इटरेशन? तो कितने बार हमने किया उसको? चार बार। अभी कौन से नंबर्स को सॉल्व करना है? नहीं पूरा बोलेंगे ना, है ना, अभी ये करना है, इनको करना है। तो बोलो अभी जल्दी से, फाइव थ्री करना है तो क्या हो जाएगा? 3, 5 और 2, 7 अपनी जगह पे एज इट इज। फिर अगले इसमें क्या होगा? करना है 5 और 2 तो करना है। यस सर, यस सर। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 5 सर। 3 अपनी जगह पे, उसको तो हाथ नहीं लगाया, और ये दोनों स्वाप हो जाएंगे। हर्ष समझ रहे तो हर्ष? वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? हाँ मैं ही तो जवाब दे रहा हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड। तेरी और वो अमान की आवाज सेम सी लग रही मुझे। 5 और 7 नहीं करना, नहीं करना तो नो सर, नहीं करना। तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये स्वाप नहीं करता, एज इट इज रहेगा। तो जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो भी किनारे पे लग गया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर भी। Yes, और ये था इटरेशन टू, क्या था ये? इटरेशन टू। अब कौन से नंबर्स बचे? 3, 2 और 5 उसको लेंगे थर्ड इटरेशन में। अभी किससे करना है? 3 और 2 से सर करना है। 3 और 2 स्वाप करना है। Yes, तो क्या बन जाएगा वो? 2, 3 और 5 तो बन जाएगा 2 और 3 स्वाप होंगे, और 5 अपना एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर अगला कौन सा है? सर नहीं सर, 3 और 5 नहीं करना सर। 3 और 5 को नहीं करेंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा इधर? क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 8 2, 3, 5 और 5 भी बाहर आ गया मेरा, 5 भी मेरा शॉर्ट हो गया। अभी क्या बचा लास्ट में? 2 और 3 तो ये हो गया मेरा थर्ड इटरेशन भी हो गया। लास्ट में क्या बचेगा अभी सिर्फ? 2 और 3 इनको सॉर्ट करना है। तो 2 और 3 में किसको लेने का अभी? नहीं करना है, नहीं होगा सर, नहीं करना है। जब दो नंबर बचते हैं ना, लास्ट के 2 में कभी भी नहीं करना होता है। आपने गौर किया होगा लास्ट के 2 से, वो 7, 8 में करना हुआ क्या? 5, 7 में नहीं, 3, 5 में नहीं सर, 2, 3 में नहीं सर। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो जब ये नंबर शॉर्ट हो गया लास्ट वाला, तो जब 4 नंबर शॉर्ट हो गए तो लास्ट को शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप शॉर्ट हो गया वो, है ना? जब 4 नंबर शॉर्ट हो गए तो लास्ट को करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप शॉर्ट हो गया। तो आउटपुट क्या आएगा अपना, देखो आउटपुट क्या आ रहा है? 2, 3, 5, 7 और 7 और क्या, कौन सा? 8। तो हमको यहां पर कितने इटरेशंस, कितने इटरेशंस लगे सॉल्व करने में? 4। हाँ तो नंबर कितने हैं? 5 नंबर है सर। तो इसके लिए पहला जो लूप है ना, वो i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 माइनस 1, क्या करने का?
क्योंकि हमको फोर लूप लगे ना, फोर लगे हैं और आई प्लस प्लस, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ इटरेशंस। और हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, नेबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर करते कर रहे हैं हम लोग, जीरो को, जीरो को और वन को, टू को, समझ में आया। और हम लोग तीन ही बार कर रहे, लास्ट में करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला हमेशा सॉर्टेड मिल रहा है अपने को। तो इसके लिए जो जे होगा ना, जे वो चलेगा जीरो से, और वो भी जाएगा माइनस फाइव, और जितना भी आई का वैल्यू है ना वो उससे माइनस हो जाएगा। तो माइनस द वैल्यू ऑफ आई, माइनस द वैल्यू ऑफ आई एंड माइनस वन मोर ऑल्सो, तो ये इतने बार चलेगा सिर्फ। नो वी डोंट नो ना भाई कितने नंबर है अपने पास, जितने नंबर है ना, जितने नंबर्स उसके रेफरेंस से करने का। तो आपने क्या कल बोल रहे थे सर मैं एन यूज करूं क्या, तो अगर आपने एन यूज किया तो आप एन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ जितने नंबर है उसके रेफरेंस से यूज करने का, आया समझ में ये। और अभी हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं बोलो, ए ऑफ जे को कंपेयर कर रहे हैं, ए ऑफ जे को कंपेयर कर रहे हैं उसके नेबर से, तो ए ऑफ जे प्लस वन किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो जीरो को किससे कंपेयर करेंगे, वन से। तो फिर अगर ये जे प्लस प्लस हो गया तो जे वन हो गया, तो वन को किससे करेंगे, टू से। और अगर जे प्लस प्लस टू हो गया तो टू को किससे करेंगे, थ्री से सर। बस ऐसा ही। और अभी स्वैपिंग करना है, तो जो भी इफ में आता है ना, इफ में, तो इफ में जो आया उसको स्वैप करने का, तो कैसे करेंगे, व्हाट विल गो इन टेम्प, व्हाट विल गो इन टेम्प, ए ऑफ जे, ब्यूटीफुल, ए ऑफ जे विल गो इन टेम्प, देन व्हाट विल हैपन, ए ऑफ जे प्लस, ए ऑफ जे प्लस वन विल गो इन टू ए ऑफ जे, जे प्लस वन एंड ए ऑफ जे प्लस वन। Yes. बस इसको स्वाप करने का ऐसा, ये लॉजिक है इसका, as simple as that. ये if close, ये if close, ये बाहर का for loop close, अंदर का for loop close, और ये बाहर का for loop close. आया समझ में? Yes, तो अभी कल वाला प्रोग्राम को हम लोग रिपीट करके देखते हैं, बस ये सारा का आधा लॉजिक तो वही है, दिख रहा है ये प्रोग्राम। कल वाला जो प्रोग्राम था उसी को अपन एडिट कर देंगे, क्योंकि उसमें आधा अपने को एरे मिल रहा है। तो कंट्रोल ए और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को, प्लस प्लस दिख रहा है नोटपैड प्लस प्लस। हेलो हेलो, हाँ सर दिखता है। तो यहाँ तक बिफोर सॉर्टिंग तक, अब आफ्टर सॉर्टिंग में सिर्फ क्या चेंज करना है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फाइव माइनस वन, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन फाइव माइनस आई माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। और फिर किसको करेंगे स्वॉप, जे को और जे प्लस वन, तो जे जाएगा टेम्प में, J प्लस वन जाएगा J में, और टेम्प जाएगा J प्लस वन में, बाकी सब सेम। तो ये और आफ्टर सॉर्टिंग ये हो गया, कुछ भी फर्क नहीं है। तो सिर्फ फॉर लूप चेंज हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, सिर्फ फॉर लूप चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा सॉर्ट था, बबल सॉर्ट, यस। चलो इसको रन करने की कोशिश करते हैं, रन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ गया वो कल वाला कंपाइलर, हाँ ये रहा, दिख रहा है, अब तक कंपाइल ही कर रहा है नॉनसेंस, ये 24 घंटे से।
दिखा दिख रहा है क्या? यस सर। तो रिफ्रेश करेंगे इसको। 24 घंटे में नहीं कर पाया, क्या करेगा वो। चलो अभी इसको देखते हैं, इसको रन। तो ये कोड हो गया, लेट्स ट्राई टू रन दिस, आई होप इट रन्स। हाँ भाई रन तो हो गया, चलो रन हो गया। दिख रहा है क्या भाई? यस सर दिख रहा है। क्या आउटपुट दिख रहा है? आउटपुट आया नीचे? हाँ सर आ गया। क्या आया? क्या आया ये बिफोर सॉर्टिंग क्या है? 10, 5, 7, 5, 3, 2, 1। आपका सॉर्टिंग क्या है? 2, 3, 5, 7, 8। समझा? तो अगर yes, एक sir. एक दो शॉट भी आपको अच्छे से आ गए ना, बस बहुत काफी है आपको। सारे शॉट प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, एक दो शॉट भी अगर आपको अच्छे से आ जाए। हाँ बबल शॉट इजी है कल। हाँ बबल शॉट इजी है। बबल शॉट इजी क्यों है भाई? क्योंकि हमने आधा सीख लिया था कल ही सिलेक्शन शॉट में, कि स्वॉपिंग क्या होता है, कम इटरेशन क्या होते हैं, आई क्या होता है, फॉर जे क्या होता है। तो हमारा आधा वर्कलोड उसने ही क्लियर कर दिया था सिलेक्शन ने। समझ में आया? यस सर। अगर डायरेक्टली अगर मैं आज सिखाता ना बबल शॉट, तो आपको आज बबल शॉट नहीं, आज इतना इजी नहीं, यू हैव फाउंड इट डिफिकल्ट। तो ये दो हमारे सिलेक्ट शॉटिंग हो गए, सिलेक्शन और कौन से बबल शॉट। बबल शॉट अभी बहुत सारे सिलेक्शन है, उसमें अक्सर तो थियोरेटिकल पार्ट है, उसका कोई प्रैक्टिकल करवाता नहीं है। तो ये दो शॉर्टिंग अच्छे से करो, बाकी का मैं थियोरेटिकल का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम करते हैं सर्चिंग। क्या करते हैं? सर्चिंग इन बाइनरी। हाँ सर्चिंग शुरू करते हैं अभी। तो जैसे हमने दो शॉर्टिंग कर लिए, तो अभी हमारे पास दो दो सर्चिंग टेक्निक्स है। कितनी सर शॉर्टिंग के साथ इतनी मेथड है?